हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैथ का टॉपिक है शांत और अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, ठीक ना। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि भाग की क्रिया करने के बाद से कुछ भाग की क्रियाओं के परफल स्वरूप पूर्णतः संख्या विभाजित हो जाती है और कोई कोई पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो जो संख्या भाग की क्रिया पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है, और जिन भाग की प्रक्रियाओं में पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक ना। नाइन्थ के पहले आप लोग को जो ये शांत और अशांत के बारे में बताया गया होगा, आप लोग भाग की क्रिया करके ही पता लगा रहे होंगे कि कौन पूर्णतः विभाजित है और कौन पूर्णतः विभाजित नहीं है, अर्थात कौन शांत है और कौन अशांत है। जैसे कि इस तरह से पता लगा रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल 4/5 है, पूछा जा रहा होगा कि ये शांत है या अशांत है। इसे हम लोग क्या करते थे जी, हम लोग इसे भाग की क्रिया करके सॉल्व करते थे, ऐसे जीरो बैठा करके, अब 5 और 8 से गुणा करेंगे 40, अर्थात पूरा पूरा कर गया तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, शांत दशमलव प्रसार कह देंगे, ठीक है। अगर पूरा पूरा नहीं कर गए, फॉर एग्जाम्पल जैसे 20/18 है, अगर इसको हम 6 से भाग देते हैं 20 में, तो 6 3 18 कटेगा तो -2 हो जाएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर 6 3 18 हो जाएगा, फिर कटेगा तो 2 होगा, अर्थात ये 3 जो है बार बार रिपीट करता ही जाएगा, ये पूर्णतः भाग नहीं हो रहा है, इसलिए 20/6 को अशांत दशमलव कहेंगे, ठीक ना, अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, ये तो बात आप जान ही चुके होंगे, लेकिन अब बात यह है कि ये तो हम भाग की क्रिया करने के बाद से ना पता लगा रहे हैं कि कौन शांत और कौन अशांत है, लेकिन कहा जाए कि बिना भाग लगाए शांत और अशांत का पहचान करें, तो देखिए उसके लिए ट्रिक है, उस ट्रिक को समझिएगा बढ़िया से, ठीक ना। हम यहाँ 3 बातें लिखने वाले हैं और तीनों को याद कर लीजिए, उस इस तीनों से जो है बिना भाग की क्रिया किए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शांत और अशांत के बारे में पता लगा सकते हैं। देखिए कोई भी जो है परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, अर्थात आप लोग पढ़े भी होंगे P/Q, एक तरीका दे रहे हैं समझिएगा ध्यान से, ठीक ना। तरीका है, फॉर्मूला ही समझ लीजिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n, फिर q = 2 के पावर m और एक है q = 5 के पावर n, अर्थात ये फॉर्मूला 3 है, 1 2 3, इन तीनों को अप्लाई करके हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं, बिना भाग दिए पता लगा सकते हैं कि शांत होगा या अशांत होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 4/20 लिख देते हैं, ठीक ना। अब पता लगा रहा है कि ये शांत होगा या शांत नहीं होगा, तो कैसे पता लगाएंगे, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर इन तीनों में से किसी रूप में यदि आ रहा है तो समझ लीजिए शांत है, अगर नहीं आ रहा है तो अशांत कह दीजिएगा, ठीक ना। देखिए ऊपर वाले को जस का तस लिख देंगे 4/4, अब 20 का जो है फैक्टर निकाल लेंगे, आप लोग एलसीएम मेथड द्वारा तो फैक्टर निकाल ही सकते हैं, ठीक ना। ऐसे जैसे 2 के 20, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 5, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 1, इसमें 1 को गिनती नहीं लेना, ठीक ना। 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, 5 कितना बार आया है, 1 बार आया, देख लीजिए। तो अब देखिए ये जो है इन तीनों में किस रूप का है, तो देखा जाए इस रूप में, देखिए है 2 दिख रहा है आधार के रूप में, 5 भी दिख रहा है आधार के रूप में, पावर कोई भी हो चलेगा, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 10 या कुछ भी हो, मतलब नहीं है, आधार सेम होना चाहिए, आधार सेम हो रहा है ना, इसलिए 4/20 जो है क्या हो जाएगा, वह शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। देखिए तो बिना भाग दिए पता लगा कि नहीं पता लगा। फिर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एग्जांपल में पड़ा है 10/8, ठीक ना। अब पूछा जाए कि ये शांत होगा या नहीं होगा, मतलब पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा, बिना भाग लगा पता लगाना है, तो क्या करेंगे हम 10 का 10 लिख देंगे, अब 8 का फिर क्या करेंगे हम फैक्टर तोड़ देंगे, ठीक ना। 2 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे फिर 2 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है, 2 के पावर 3 लिखेंगे ना। अब जरा इसको देखिए इन तीनों में किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है 2 के पावर m, पावर में कुछ भी रहे चलेगा लेकिन आधार सेम हो रहा है ना, इसके जैसा मिल रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि कहां प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है साइंस और मैथ में, है ना जी, हमें जरूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो बनाकर डालेंगे। वैसे भी जो है अब फिजिक्स और मैथ के क्लासेस चल रही है हमारे यहाँ, बहुत जल्द केमिस्ट्री का भी क्लासेस लेकर आने वाले हैं, और क्लास में जो है हम जो भी वीडियो आपको डालेंगे वो सीरियल वाइज होगा, ऐसा नहीं है कि एक हम डाल दिए बीच वाला कॉन्टेंट छोड़ दिए फिर आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं होगा,
टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा, जैसे कि आप स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे पढ़ा करते हैं वैसे ही हमारे यहाँ फ्री में मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब क्या है, फ्री चैनल है, इसमें कोई जब कुछ चार्ज लगाना नहीं पड़ रहा है, बस मोबाइल खोलिए और क्या करिए, अपना अपना पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो आपके लिए हम पूरा का पूरा हम साधन देंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। पूरी साल जो है आपको प्रतिदिन हम वीडियो उपलब्ध करेंगे और हमेशा सीरियल वाइज आपको वीडियो बना करके हम देते जाएंगे हर सब्जेक्ट का, ठीक ना। हमारा वीडियो रोज देखिएगा और साथ ही साथ जो आपके दोस्त फ्रेंड होंगे उनको भी जरूर बताइए कि हाँ इस चैनल को आप लोग देखें और इसमें सारे प्रकार के वीडियोस आपको मिल रहा है, ठीक ना। जरूर सजेस्ट करिए अपने बगल वाले को, ठीक ना। अब इसको अगर देखिए, मान लीजिए अब हमारे पास एग्जाम्पल है 7/25। अब पता लगाना है कि ये पूर्णतः सात, मतलब ये सात है कि नहीं, पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं। क्या अगर सात का सात लिख देंगे और 25 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 5 गुणे 5 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा यहां देखिए ये किसके रूप में आ रहा है, ये 5 के पावर n के रूप में आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 7.9 प्रसार हो जाएगा। बात समझे, मतलब ये कि किसी भी परिमेय संख्या का हर अगर इन तीनों में किसी की एक रूप में आ रहा है, कोई भी मैंने रूप मैच कर जा रहा है, तो समझ लीजिए 7.9 प्रसार हो गया, ठीक ना। अब देखिए आसान वाले को हम समझाते हैं, ये एग्जाम्पल हम इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, और इसको देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने एग्जाम्पल लिया जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं 7/15 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको पता लगाना किसी तरीके से सात है या नहीं, तो देखिए 7 का 7 लिख देंगे, अब 15 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 हो जाएगा। अब जरा इसको देखिए, इसको देखिए तो किससे मैच कर रहा है, तो देखा जाए किसी से मैच नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए 5 का तो 5 मिल गया है लेकिन 2 की जगह क्या आ गया, 3 अल्टर आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 7.9 प्रसार हो जाएगा, ठीक ना। बात समझ में अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया होगा। मतलब ये है कि इन तीनों के रूप में होगा तभी जो है ये शांत होगा, अगर इन तीनों में से किसी का रूप लागू नहीं हो रहा है तो अशांत हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूं कि यह मेथड खूब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। ये मेथड कभी कभी क्या है कि फेल कर जाता है, किसी किसी के लिए लागू नहीं करता है। अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा 6/15, ठीक है। अब इसके लिए जो है ये तीनों मेथड जो है फेल हो जाएगा, देखिए कैसे 6/6 लिख देंगे, अब 15 का फैक्टर तोड़ेंगे, हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 3/5 15, ठीक ना। 3 भी 1 बार आ रहा है और 5 भी 1 बार ही आ रहा है ना। अब जरा देखिए तो इसमें कोई मिल रहा है ना, इसके जैसा है ना, इसके जैसा है और ना ही इसके जैसा, क्यों नहीं है, क्योंकि 5 का 5 है, 2 का 3 आ गया है। तो इस हिसाब से 6/15 क्या होना चाहिए, अशांत होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये आपको 7.9 प्रसार है, ठीक है, समझाया। क्योंकि देखिए हम आपको फिर एक बार बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि ये मेथड कभी कभी किसी किसी संख्या के लिए फेल कर जाता है। देखिए अभी 6/15 के लिए मेथड फेल कर गया, इसको होना चाहिए सात, लेकिन हो गया क्या, सात। इसको देखिए कैसे पता चल रहा है, भाग दे करके देख लीजिए, 15 से भाग दे दीजिए 6 में, ठीक ना, 10 करेंगे 0 आएगा, 15 6 60, देखिए तो पूरा कट गया, कटा ना, तो सात हो ही नहीं होगा। तो कभी कभी क्या है कि किसी किसी अंक के लिए मेथड फेल कर जाता है। तो देखिए आप सभी बच्चों को मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि इस मेथड का आप जरूर यूज करिएगा, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो अक्सर बच्चे क्या होंगे कि इसको देख करके क्या करेंगे, तुरंत आसान टिक लगा देंगे, लेकिन वहां बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। तो आप लोग जरूर इस विधि को लगाने के बाद भी आप लोग जरूर रफ में ट्राई कर लीजिएगा, भाग देकर के कट रहा है कि नहीं कट रहा है, सेफ्टी के लिए, क्योंकि अभी देखे ना घटना हो जाता है अभी तुरंत, ठीक ना। अब कोई क्या करेगा, कोई कहेगा नहीं सर ये अशांत होगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा, लेकिन हो क्या रहा है, अशांत। इसीलिए बाबू कह रहे हैं कि दोनों विधि का प्रयोग करके बनाइए, ठीक ना। अब देखिए हम लोग मैथ्स का हम लोग अगला टॉपिक जो डालने वाले हैं वो परिमेय संख्या से संबंधित होगा और उसके से धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि बहुपद आएगा, बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो हमारे चैनल्स को देखते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस सब्जेक्ट में, फिर से सुन लीजिए, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है पढ़ने में या समझने में, हमें आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और ये भी मेंशन करिएगा किस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत है आपको,
जैसे मैथ्स में कोई टॉपिक दिक्कत है तो टॉपिक का नाम भी यदि मेंशन कर दीजिएगा तो स्पेशली हम उसको तैयार होकर के आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना करके देंगे। अभी हमारा क्या है कि वीडियो बड़ा बड़ा नहीं बना रहे, लेकिन आने वाले टाइम में वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी जरूरत होगी, उस हिसाब से हम वीडियो आपको पोस्ट करते जाएंगे, ठीक ना। हमेशा के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।